सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं HDfunmaza। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ब्लॉगिंग के रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉगिंग के वाले से मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ और आपको मुकम्मल तरीकेकार सिखा भी चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपना ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने ब्लॉगिंग वाले से वीडियो डाली थी वो थी पिछली वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप हाई क्वालिटी के dofollow बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी इसी रिलेटेड होने वाली है कि किस तरीके से आप हाई क्वालिटी के जो dofollow बैकलिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी जो पोस्ट होती है अपने DAPA को भी इंक्रीजेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो तीन नहीं बल्कि पांच ऐसी वेबसाइट बताऊंगा, हाई क्वालिटी की वेबसाइट जिनका DAPA 70 से ऊपर होगा और स्पैम स्कोर जो है वो सिफर होगा, और तो दो दो वेबसाइट ऐसी होंगी जिनका जो स्पैम स्कोर है वो 1% होगा जो कि इग्नोरेबल होता है। तो दोस्तों पांच वेबसाइट ऐसी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर आप हाई क्वालिटी के dofollow बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम से कि ये चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां मैं आपको समझा के बताता हूँ कि किस तरीके से आप हाई क्वालिटी के dofollow बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पांच पावरफुल वेबसाइट के अंदर आप किस तरीके से अपना हाई क्वालिटी का जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता चलूँ कि इन तमाम वेबसाइट के ऊपर, इन पाँचों वेबसाइट के ऊपर जो है वो मैंने साइनअप का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल कर लिया है ताकि दोस्तों यहाँ पर आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी टाइम बच सके। अगर आप वेबसाइट को रन करते हैं और बैकलिंक बनाते रहते हैं तो आपको पता होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो साइनअप का प्रोसीजर होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए मैंने अपना और आपका टाइम जाने के लिए इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है वो पहले से तमाम वेबसाइट के ऊपर जो है वो साइन अप कर लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इनके ऊपर लॉगिन भी हूँ। तो याद रखिए कि साइन अप करने के बाद आपके पास हमेशा एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है, तो वहाँ पे आप उनको कंफर्म करने के बाद इस तमाम वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद dofollow बैकलिंक बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले वेबसाइट है हमारे पास वो है docracy.com, ठीक है, docracy.com। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइन अप का प्रोसीजर वो मैंने मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि योर अकाउंट इज़ एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट अ अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी, नई विंडो हमारे पास, एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि अपलोड अ फाइल स्टार्ट विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने स्टार्ट विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ या आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो ओपन करना है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा जो है वो आर्टिकल लिखना है और यहाँ पे आपको आर्टिकल का जो हाई क्वालिटी का बैकलिंक है मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने तमाम वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो चेक कर लिया है और इनका जो स्पैम स्कोर है वो सिफर है। एक दो वेबसाइट है जिनका एक स्पैम स्कोर है 1%, ठीक है, जो कि इग्नोरेबल होता है और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को उठा लेता हूँ, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग होट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका टाइटल दे दिया है और उसके बाद इसका जो कंटेंट है थोड़ा सा वो भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है रीड मोर क्लिक हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का जो लिंक है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको इंसर्ट लिंक के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपने अपनी आर्टिकल का जो लिंक है वो करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक URL आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि ओपन द न्यू विंडो, ठीक है, तो हम इसको न्यू विंडो के अंदर ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, प्राइवेट या पब्लिक। इसका मतलब यह क्या है, प्राइवेट इसलिए कि कोई बंदा जब यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगा और इसको बनाने के बाद लॉगिन होगा तो ही वो इसको वो बंदा इस आर्टिकल को पढ़ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे पब्लिक करूँगा ताकि कोई बंदा भी आए, अगर उसका अकाउंट हो या ना हो तो वो यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्री समरी, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्टम है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप अपनी जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोथ पार्टीज मस्ट साइन, दिस इज नॉट साइन इन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सेव के ऊपर क्लिक।
जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक डू फॉलो बैक लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जब लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमारी आर्टिकल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हमें डू फॉलो बैक लिंक मिल चुका है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ इस क्लिक के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बैक लिंक है ये 100% डू फॉलो बैक लिंक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट वेबसाइट जिसके अंदर हमने मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ आप डू फॉलो बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरी वेबसाइट है दोस्तों d.net, ठीक है d.net। तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने साइन अप करना है। मैंने इसको ऑलरेडी साइन अप कर लिया है और उसके बाद आपके पास स्पैम के अंदर जो है वो एक ईमेल आएगी, वहाँ से इसको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे माई अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप माई अकाउंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक लिंक जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इसको साइन अप करेंगे तो साइन अप करते वक्त आपसे आपकी वेबसाइट और आपकी जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है वो मांगी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि ये जो आपकी वेबसाइट होती है, अगर आपकी वेबसाइट कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने देनी है और देने के बाद दोस्तों आपने इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपकी जो ईमेल है स्पैम के अंदर जो आपको एक मेल आएगी उस मेल पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड सेट का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है वो डू फॉलो बैक लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ इसको राइट क्लिक करके कि ये हमारा बैक लिंक डू फॉलो है या बैक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास किसी जगह पे भी नो फॉलो लिखा नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा जो बैक लिंक है वो 100% डू फॉलो है। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी वेबसाइट है वो है मैक क्लाउड के नाम से, maccloud.com के नाम से, ठीक है। इसका भी जो साइन अप प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है और आपको जस्ट यहाँ पे साइन अप करना है और वेरीफाई मेल करना है। तो मैंने अभी इसको जो है वो मेल पे वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वेलकम टू मैक क्लाउड, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेलो असद के नाम से आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जाना है माई अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप माई अकाउंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ एडिट में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट का जिसका आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना मेन आर्टिकल दे मेन जो वेबसाइट डोमेन है उसका यहाँ पे जो हम जो है वो अपना लिंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ वेबसाइट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे वही आपकी जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देना होगी। सिंपल सी कोई भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमने अपनी पहली वेबसाइट के अंदर भी दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है और शो कलेक्शन आई फॉलो माई प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दे और यहाँ पे आपने इसको करना है सेव पेजेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे भी हमें एक डू फॉलो बैक लिंक मिल चुका है और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किसी जगह के ऊपर नो फॉलो नहीं लिखा है, तो ये भी हमारा 100% डू फॉलो बैक लिंक है, ठीक है। अब दोस्तों जो चौथी वेबसाइट है वो है ये वाली वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। इन आर्टिकल के अंदर आपने किसी भी आर्टिकल्स के अंदर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आर्टिकल आ जाएगा और इसके नीचे जो है ये कमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको सबसे नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे नीचे ले आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ले आया हूँ सबसे नीचे और ये आ चुका है हमारा कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने करना है कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपने जो ऑलरेडी जो बैक लिंक बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो एक लिंक बनाना है, ठीक है। अब जिस तरह इस बंदे ने 3 बैक लिंक बनाए हैं तो ये ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन आई लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फो, ठीक है, आई लाइक दिस इन्फो। अब ये जो इन्फो है इसके ऊपर मैंने बनाना है अपना डू फॉलो बैक लिंक। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई वेबसाइट या कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल ये है HREF का HTML कोड। दोस्तों यहाँ पे इस कोड को आपने कॉपी करना है और आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसको कॉपी करने के बाद, दोस्तों मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक
ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अपनी जो मेन वेबसाइट है इसका जो लिंक कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके वेबसाइट के ऑप्शन पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर मोर डिटेल चेक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिखना है इन्फो। ठीक है, तो इन्फो लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना जो लिंक है उसको कर देना है सबमिट। ठीक है, तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ, तो सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पे हाई क्वालिटी का एक डोफॉलो बैकलिंक मिल जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनल पेज के ऊपर मैं जाता हूँ, और ओरिजिनल पेज के ऊपर जाने के बाद मैं दोबारा से जो सबसे नीचे है वो आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने कमेंट्स लोगों ने किए हुए हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट होती है, तो लोग इसीलिए यहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो वेबसाइट होती है, उनकी जो रैंकिंग होती है वो ऊपर आ सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी जो है वो लिंक है डू फॉलो बैक लिंक वो बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा कमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि हमारा जो डू फॉलो बैक लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी पांचवी वेबसाइट और आखिरी वेबसाइट जिसका नाम है devinart.com। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने इसके अंदर जो है वो साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद एक वेरिफिकेशन लिंक जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड होगी, और उसको आपने कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने जाना है अपने प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पे करना है प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन नजर आएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक डूफॉलो जो है वो बैक लिंक मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मेरी लोकेशन आ जाएगी, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का जो ये वाला कोड, अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट की, ठीक है, आपकी भी जो होगी वो आपने यहाँ पे दे देनी है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। और उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, मेन लिंक है, वो भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इस जगह के ऊपर। ठीक है, और ये करने के बाद आपने इसको करना है कंटिन्यू के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आपसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर मांगी जाएगी, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, अगर इस फॉर्म को भी आप फिलअप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो नीचे आपको एक डू फॉलो बैक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, और अगर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और इस लिंक को मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 100% डू फॉलो बैक लिंक मिल चुका है, और यहाँ पे कहीं पे भी नो फॉलो लिखा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था वो तरीका का जिससे आप 100% 5 हाई क्वालिटी के जो डू फॉलो बैक लिंक बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने 5 वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी के डू फॉलो बैक लिंक क्रिएट किए हैं, और इससे हमारी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, हमारी वेबसाइट का जो DAP है वो अच्छा होगा, हमारी जो वेबसाइट होगी वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।